नमस्कार, मैं हूं संजय पुगलिया। पेश है हमारा प्राइम टाइम न्यूज शो इंडिया 9 बजे। अगले एक घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की खबरें, साथ ही करेंगे एक बड़ी खबर का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण। लेकिन उसके पहले देखते हैं अभी की हेडलाइंस। गिरफ्तारी के डर से सुब्रत राय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी, कहा गिरफ्तार मत कीजिए, 4 मार्च को हाजिर हो जाऊंगा। मोदी ने देश के सामने रखा अपना आर्थिक एजेंडा, कहा केंद्रीय कैबिनेट की जगह पीएम और सीएम की टीम मिलकर चलाए देश, तभी होगा विकास। इंडिया 9 बजे में आज हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बिजनेस और कॉरपोरेट लॉबीज के बीच के साथ जो बातचीत हुई, उसके पीछे क्या इरादा था। नरेंद्र मोदी ने आज उनके सामने अपना आर्थिक एजेंडा रखा। एजेंडे में सोशलिज्म का तड़का था, फेडरलिज्म की ड्रेसिंग थी और ढेर सारे कैपिटलिस्ट आइटम भी थे। लेकिन क्या मोदी देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का हल सामने रख सके, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर वाई के अलग, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन और अर्थशास्त्री मोहनदास पई, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पब्लिक पॉलिसी के विशेषज्ञ जयंत सिन्हा। आप भी हमारी बहस में शामिल हो सकते हैं ट्विटर और फेसबुक के जरिए। आप हमें अपनी राय लिख करके भेज सकते हैं, उन्हें हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन अभी कुछ और सुर्खियां। नीतीश कुमार ने 5 सांसदों को निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवानंद निषाद और मंगनीलाल मंडल पार्टी से बाहर। बीजेपी और एलजेपी की डील पक्की, मोदी की मौजूदगी में कुछ ही देर में ऐलान संभव। मोदी को नपुंसक बताए जाने के खुर्शीद के बयान को राहुल ने किया खारिज, कहा कि राजनीति में ऐसी भाषा कबूल नहीं। ओके, थैंक्स। सिंधु रत्न पनडुब्बी हादसे में लापता दोनों अधिकारियों की मौत की पुष्टि, बीजेपी ने मांगा रक्षा मंत्री एंटनी का इस्तीफा। मुंबई के करीब अलीबाग में पटाखा फैक्ट्री में भयानक आग, अब तक 10 की मौत, कई के फंसे होने की आशंका। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना के जवान ने की अपने ही 5 साथियों की हत्या, बाद में खुद को भी मार ली गोली। प्रायोजक केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल, रंजीत रॉकी स्टाइलिश एनर्स और snapdeal.com, बचाते रहो। डेमोग्राफी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो और डिमांड भी हो, ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में एक भी देश नहीं है। हम जहां थे वहां से भी गिरते चले गए हैं। एक बार भरोसा टूट जाए, निराशा आना बहुत स्वाभाविक है। राज्य के अनुभव वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, उसके दिमाग में सबसे पहले आएगा उस राज्यों की मुसीबतों को कैसे दूर करें। भरोसा दे पाए, हाँ भाई चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तो ये देश ऐसा नहीं है कि चल नहीं सकता, दौड़ सकता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कॉरपोरेट और इन्वेस्टर जगत के सामने अपना 3D नजरिया रखा। मोदी ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड की तुकबंदी के जरिए अपना आर्थिक विजन बुना। गरीबी हटाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और FDI के बारे में अपनी राय रखी, साथ ही ग्रोथ को जन आंदोलन बनाने की वकालत की। क्षेत्रीय दलों को लुभाने के लिए मोदी ने एक नया नारा उछाला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट से ज्यादा जरूरी है कि पीएम और सीएम की टीम मिलकर देश चलाए। मोदी के सामने ढेर सारे विदेशी प्रतिनिधि, भारतीय कारोबारी और देशी विदेशी इन्वेस्टर बैठे हुए थे। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में एक भी देश नहीं है। डेमोग्राफी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो और डिमांड भी हो। 3D यानी डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड,
ये वो तीन शब्द हैं जिनके जरिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपनी सोच और पार्टी के आर्थिक एजेंडे का खाका पेश किया। विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए मोदी ने संकेत दिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक सच्चाई है और भारत इससे अलग नहीं रह सकता। उन्होंने हर क्षेत्र में गुजरात के विकास मॉडल की तस्वीर दिखाकर यूपीए सरकार को नाकाम बताया, साथ ही निवेशकों के लिए कायदे कानून आसान बनाने का भी वादा किया। दिल्ली सरकार के प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसको हमने फुल फ्लेज टीम के रूप में सोचना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर वो एक टीम है जिसको देश चलाना है। नरेंद्र मोदी ने युवाओं, महिलाओं, कामगारों और किसानों को साथ लेकर चलने की वकालत की, गरीब अमीर की खाई पाटने की बात की और फिर महात्मा गांधी के जरिए कांग्रेस के उन नेताओं को जवाब भी दिया जो उनके आर्थिक ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किया था, शासन में बैठा हुआ व्यक्ति ट्रस्टी होता है। एक शब्द मेरे जीवन के साथ जुड़ करके चले काफी है, मुझे कोई बहुत बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं है, ग्रंथ वालों को मैं रख लूंगा अपने पास। मोदी ने साफ किया कि नीति और कानून ऐसे हों कि लोग और निवेशक सरकार पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि नीतियां राजनीतिक तरीके और कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों और आर्थिक तरीके से बनानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। मोदी ने आज फिर गुड गवर्नेंस यानी सुशासन को ग्रोथ से जोड़ने की बात दोहराई। लोगों ने मोदी को ध्यान से सुना, कॉरपोरेट जगत खुश भी दिखलाई पड़ा। मोदी ने यह तो बताया कि आखिर इस देश की तरक्की के लिए करना क्या है, लेकिन कैसे करना है इस पर ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए इंडिया 9 बजे में हम पूछ रहे हैं कुछ सवाल। क्या मोदी का गुजरात मॉडल देश को ग्रोथ देगा? क्या फेडरलिज्म पर जोर लगाने के पीछे कोई सियासत है? क्या देश में सिर्फ सुशासन की ही दिक्कत है? क्या मोदी इंडस्ट्री का भरोसा जीतने में कामयाब हुए हैं? क्या यूपीए के 10 साल वाकई कमजोर रहे? मोदीनॉमिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर वाई के अलग, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन और अर्थशास्त्री मोहनदास पै, और जो आयोजक था इंडिया फाउंडेशन उसके डायरेक्टर जयंत सिन्हा। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल लेकर के हम चलते हैं मोहनदास पै साहब के पास। आपने भाषण सुना होगा, उसके हाईलाइट देखे होंगे, आपका पहला कमेंट क्या है? क्या मोदी जी ने आज कुछ नई बात बताई आपको? मोदी जी ने आज बहुत कुछ कहा इकोनॉमी पर। उन्होंने पहले कहा कि जो लोग गरीब हैं उनको तो हमको उनको हक देना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए और ग्रोथ इंक्लूसिव होना है। और दूसरी बात कही कि एग्रीकल्चर के लिए को बहुत कुछ करना है। गुजरात में 10% हुआ, ये तो सच है, और लोगों के लिए पावर देना है 24/7। और ये भी कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ज़्यादा फंड्स डिवॉल्व करना है, और ज्यादा फंड्स मिलने से स्टेट गवर्नमेंट ही डेवलपमेंट कर सकता है, और इसलिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, वही नेशनल कैबिनेट होते हैं। और उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में भी कहा और कहा कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना है, इंडस्ट्री को एनकरेजमेंट देना है और इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ डिसीजन लेनी है। लेकिन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। मैं समझता हूं कि उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी थी, और ये भी सच था कि उन्होंने कहा कि ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ से टैक्स मिलेगा और टैक्स से जो गरीब लोग हैं उनका उन्नति हो सकता है, उनके सब्सिडी से ही और डोल से ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये भी कहा कि जो युवक लोग हैं उनको काम देने का कुछ तरीका सोचना पड़ेगा, ग्रोथ चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी से जो पहले का स्पीच था ये तो स्पीच बहुत अच्छा था, आगे देखना पड़ेगा कि और कौन और क्या डिटेल्स देंगे। और इंडस्ट्री तो बहुत खुशी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ग्रोथ पर फोकस था। बिल्कुल, ये डिटेल्स की बात हम इस पर पूछेंगे जयंत जी से, लेकिन उसके पहले एक बार छोटे से कमेंट के लिए चलेंगे सलमान सोज के पास। सलमान भाई, आज उन्होंने आपकी यूपीए सरकार की कोई बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा एक दशक गया है ये लॉस्ट डिकेड है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि म्युनिसिपैलिटी का एक ऑफिसर ज्यादा फैसले कर लेता है हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के मुकाबले में। क्या कहेंगे आप उनकी स्पीच पर? मोदी साहब का क्या कहना है, उनकी स्पीच जबरदस्त होती है, बातें बड़ी जबरदस्त करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है।
पहली बात यह है कि मेरे ख्याल में, और ये आमतौर आप इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, तो जो इनका एजेंडा है, पॉलिसीज हैं, एक हिसाब से ये तो कॉपी कैट पॉलिसीज हैं। जो हमारी पॉलिसीज हैं यूपीए की, तकरीबन ये उसमें लगे हुए हैं किसी तरह से उसी के पीछे पड़ने के लिए। एक खास फर्क इनमें है, हम जिसको सचमुच इंक्लूसिव ग्रोथ मानते हैं, ये ऐसे कहने के लिए करते हैं। असली जो इनकी पॉलिसी उसमें है वो ये है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, आप ग्रोथ 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 के पीछे लग जाओ, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ाओ, और जो उसी से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे वो ट्रिकल डाउन होगा गरीबों की तरफ। ये हर जगह फेल हुआ है, कहीं भी चला नहीं है। दूसरी बात जो मोदी साहब की है, जो हर कोई जानता है, यहां जगह कहते हैं कि मैंने ये कर दिया है, मैंने गुजरात को इधर कर दिया, मैंने 24 घंटे की बिजली गुजरात में लाई। बाय द वे, बिजली 24 घंटे की बात ये करते हैं, आने से पहले, मोदी साहब के आने से पहले गुजरात के सिर्फ 170 ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, सिर्फ 170, दो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की बात है। तो ये बड़ा चढ़ा के कहते हैं मैंने सब किया, लेकिन इनके आने से पहले गुजरात में ग्रोथ रेट हायर थी जी, 1980s में भी, 1990s में। आपका कहना है कि गुजरात की अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल अपना बनाते हैं। ये कहते हैं कि मैंने ही सब कुछ किया, बाकियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोदी साहब अकेले इंसान है जिन्होंने गुजरात को बनाया। आइए आइए, बिल्कुल गलत है। जी 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 बिल्कुल, गुजरात के ग्राउंड से लेकर के कैबिनेट तक अलग साहब ने देखा है हमारी इकोनॉमिक स्टोरी कैसे अनफोल्ड हुई है हमारे पूरे देश के सामने। अलग साहब, अभी तक जितनी बातें मोदी जी ने कही हैं देश की तरक्की के लिए और गवर्नेंस के लिए, उनको सुनकर के क्या लगता है, ये रूटीन सी बातें हैं या लगता है कि कोई एक डिफ्रेंशिएटेड पॉलिटिशियन के तौर पर कोई एक नई बात हम इनसे सुन रहे हैं? देखिए, जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने कहा था कि इलेक्शन के पहले का जो समय होता है उसको, उसने कहा था लिबरल आवर। लिबरल आवर का मतलब कि हम जो भी चाहें कहें, और एक आइडियाज और आइडियल्स की बात करना तो आसान है, लेकिन सीरियस डिबेट अब मैं मानता हूं ये होना चाहिए कि हम इन चीजों को कैसे करेंगे। अब जैसे कहा गया, हम फेडरल सिस्टम को ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे, अब हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, योजना आयोग है जिसमें हर एक साल मोदी साहब भी जाते थे एज चीफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है। तो इन संस्थाओं को, या नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, इनको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बनिस्पत के ये कहना कि कैबिनेट में हम चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, वो इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन कई चीजों में तो सेंट्रल डिसीजन लेना पड़ता है। अगर दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो पानी के बारे में या किसी चीज के लिए, तो सेंटर को उसका इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जी। तो ये बात सही है कि फेडरलिज्म में हम कोऑपरेटिव तरीके से फंक्शन करते हैं, लेकिन अब अगर 40-50 साल से हमने संस्थाएं बनाई हैं, उनको आप सुदृढ़ करिए, उनमें अगर कोई मुश्किलें हैं तो उनको सॉल्व करिए। तो मैंने एक बात की मैन्युफैक्चरिंग में, अब मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे जबकि दुनिया भर में इस समय रिसेशन चल रहा है। 2008 के बाद बहुत कम देश हैं, चीन जहां के 13-14% का विकास का दर हो रहा था, अब 6% का विकास का दर हो रहा है जी। तो डिटेल्स, मैं मानता हूं कि यह सब हो सकता है, लेकिन डिटेल्स की जरूरत है तब जो उसके बारे में चर्चा हो। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और यही सवाल लेकर के हम जयंत सिन्हा साहब आपके पास आना चाहते हैं कि जो आर्थिक चुनौतियां सामने हैं, और जो ऑडियंस आज मोदी जी को सुन रही थी, बड़ी दानिशमंद ऑडियंस है ये, वो शायद ये भी जानना चाहती थी कि जो महंगाई है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फ्यूल सब्सिडी है, ये 3-4 क्रिटिकल इश्यूज हैं जिस पर मोदी जी के थॉट के बारे में एक झलक भी मिल जाए तो हमको एक विश्वास बन सकता है कि इनका एजेंडा, जो आर्थिक विजन हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है, उसमें ये दरअसल क्या करेंगे, क्या करना है ये तो बता रहे हैं मोदी जी, कैसे करना है डिटेल की कमी थी आज की स्पीच में। जयंत सिन्हा साहब,
नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बताई संजय जी, कि जो आज स्पीच थी वो काफी मतलब ब्रॉड लेवल पे थी, थीमैटिक थी। ये डिटेल्स जो है नीतियों मतलब पॉलिसीज की, नीतियों की, उस डिटेल पे वो नहीं गए। परंतु हमें ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वो अभी चुनाव के माहौल में और जो पीएम के जो भूमिका वो निभाने की कोशिश में है, वो इस स्तर से ना इस समय इन डिटेल्स को आपके सामने प्रकट करेंगे। वो अभी ठीक समय नहीं, उचित समय नहीं है इसके लिए। अभी ये है कि एक आप विजन दिखाइए, एजेंडा की बात करिए, थीमेटिकली बात करिए, और ये मुझे लगता है आज उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। अब जो एग्जैक्टली क्या नीतियां होंगी वो तो अब भविष्य में ही पता चलेगा, और जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग ये सब चीजें को तैयार करेंगे। वो प्रधानमंत्री की भूमिका रोल नहीं होती है कि इस लेवल ऑफ डिटेल पे जाकर इस समय ये बातें को पूरी तरीके से बताई जाए। तो इस कारण मुझे लगता है उन्होंने उचित बात की, ठीक बात की। और सबसे जरूरी जो आप बात नहीं कह रहे हैं, जो मैं दोहराऊंगा इस बार, कि जो विश्वास और भरोसा की, जो भरोसे की जो बात होती है, वो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रकट किया। निवेशक जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो देखना चाहते हैं कि कोई एक ऐसे नेता हैं जो स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं, क्योंकि तभी वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, विश्वास बनाने के लिए तैयार है। और वो आज उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने उसको आज प्रकट किया। बिल्कुल। और अभी दूसरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया अलख साहब ने, उससे एक सवाल और जुड़ा हुआ, आपसे पूछूंगा वो ये कि दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर या नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर आज उन्होंने जोर दिया। वो दरअसल लिटरल मतलब इसका ना निकाला जाए कि कैबिनेट के ऊपर कोई एक संविधान सम्मत पीएम सीएम की टीम आएगी जो फैसले करेगी। दरअसल ये उनका एक पॉलिटिकल मोटिव था, और वो ये था कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं को ये बताएं कि भाई आप हमको ये मत समझिए कि हम कंसेंसस सीकर नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, हम तो आप लोगों के साथ इक्वल लेवल पर बैठ करके एक कोई मैकेनिज्म बनाएंगे और पीएम और सीएम बात करके चलाएगा। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर यह बयान दिया गया था जैन जी। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने जो आज कहा वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने कहा पीएम और सीएम के बारे में, वो उन्होंने गवर्नेंस की दृष्टि से कहा। क्योंकि देखिए, हम लोगों को जो अब आगे बढ़ने की जरूरत है, उसमें राज्य जो है वो बहुत एक विशेष उनका एक काम है, और जो सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, योजनाएं हैं, वो तो स्टेट्स में ही, राज्यों में ही होती है। तो अगर केंद्र और राज्य इकट्ठे नहीं काम करें, मतलब मिलजुल के गवर्नेंस नहीं दें, तो ये योजनाएं नहीं आ पाएंगी। आज के जो समय इतनी सारी योजनाएं फंसी हुई हैं, जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, इस कारण नहीं बढ़ रही हैं क्योंकि वही केंद्र में और राज्य के बीच में वो कोलैबोरेशन वर्किंग स्टाइल नहीं बन चुका है, जहां इकट्ठे वो लोग काम करके ये योजनाओं को आगे बढ़ा सकें। तो मुझे लगता है कि ये शासन की बात कर रहे थे, वो राजनीति की बात नहीं। जी मोहनदास पै साहब, चूंकि ये ऑडियंस जो थी ये देशी विदेशी इन्वेस्टर्स की थी, कॉरपोरेट्स की थी, इकोनॉमिस्ट की थी और पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की थी। उनको पता था कि चुनाव के पहले ऑलरेडी उनकी इमेज है कि ये तो बड़े कॉरपोरेट फ्रेंडली हैं। तो इस भाषण में जो मैंने नोटिस किया उस पर आपका कमेंट चाहूंगा, वो ये कि सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, जीडीपी में 50% हिस्सेदारी वीमेन पावर के जरिए, वीमेन एम्पावरमेंट के जरिए, और डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सारे सोशलिस्टिक जो फ्रेजोलॉजी हो सकती है उसका उन्होंने जम करके इस्तेमाल किया, ताकि कोई ये तोहमत न लगा सके कि ये फ्री मार्केटर कैपिटलिस्टिक आइडिया लेकर के मोदी जी अपनी उस पसंदीदा कम्युनिटी के बीच में बात कर रहे थे। आपने इस पर गौर किया होगा, आप क्या समझते हैं कि इनको जो अपना एक सोशलिस्ट चेहरा भी दिखाना है, जो फेडरलिस्ट चेहरा भी दिखाना है, वो दिखाने में आज कामयाब हुए क्या? देखिए, मैं समझता हूं ये सब बात सोशलिस्ट नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी तो ये तो समस्या है, और हर देश में ये समस्या है, हर देश में ये समस्या का हल करना पड़ेगा। कोई कोई देश में प्रधानमंत्री हो या कोई देश का शासक हो, उसको एक एक, एक समस्या को हल करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया था मोदी जी को, कोई वो कॉर्पोरेट के बारे में कहते, बिजनेस के बारे में कहते, तो उन्होंने सोचा होगा कि जब मैं बिजनेस के बारे में, बिजनेस के सामने आता हूं, मैं कहूंगा कि सोशल सेक्टर में बहुत कुछ करना है। और मोदी जी को भी पता है कि लोग वोट करते हैं, बिल्डिंग्स और मिशनरी और कैपिटलिस्ट वोट नहीं करते हैं, और उनको पावर में रहना है तो लोगों से वोट लेना है, और लोगों से वोट लेना है तो बहुत से लोग गरीब है,
अब बहुत से लोग औरत है, इनके इनको कुछ करना पड़ेगा, उनको तो एम्पावर करना पड़ेगा। अगर उनके बात उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो बहुत निंदा होगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रॉड विजन दिया। मैं नहीं समझता हूं कि ये सोशलिस्ट है कोई है, मैं समझता हूं कि अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी कंपैशन होना है, हमको चाहिए कंपैशनेट कैपिटलिज्म। मैं समझता हूं इनके बारे में उन्होंने अच्छी बात कही है, तो मैं ये नहीं समझता हूं कि वो प्रो कैपिटलिस्ट है या तो यह, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा एक पॉलिटिशियन है और हर पॉलिटिशियन को पता है कि गड़ी में रहना है तो वोट चाहिए, वोट चाहना, वोट अगर लाना है तो बहुत लोग गरीब है, उनको कुछ देना है, अगर वो गरीब वोट नहीं करेंगे तो आप शासन पर नहीं आ सकते। तो मैं वैसा देखता हूं। जी बिल्कुल। अलग साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि आप बड़े विशेषज्ञ हैं और सरकार के हिस्सा रहे हैं, मोदी जी का जो टोटल नैरेटिव है गवर्नेंस का और अभी के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि उनका जो विजन है वो उस चैलेंजेस को का मुकाबला करने के लिए और इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए काफी है? देखिए, अब जैसे कि असमानता की बात है, अगर आप, अब ठीक है, आप कैपिटलिस्ट से बात कर रहे थे, कॉरपोरेट वर्ल्ड से बात कर रहे थे, तो शायद उनके साथ आपको इस किस्म की बात नहीं करनी, लेकिन ये कहना कि हम सबको समान तरीके से, आई विल ट्रीट एवरीबडी इक्वली, अंग्रेजी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, उससे काम चल जाएगा, ये एक गरीब देश में जिसमें कि असमानता है, ये एडिक्वेट बात नहीं है। अगर इनइक्वालिटी है तो यू कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल पीपल एज इक्वल। अगर असमानता है और आप कहें कि मैं सबको एक तरह से उनको मैं ट्रीट करूंगा, तो आप सोशल कोहिजन की बात जनरली नहीं की जा सकती। सवाल ये है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे जबकि साधन सीमित हैं। सीमित साधन में एक, अभी तक हमारा देश इतना अमीर नहीं हो गया कि कोई भी ऐसा इलाका है, गुजरात या महाराष्ट्र जो एडवांस स्टेट्स हैं, वहां भी गरीबी है, इनइक्वालिटी है। तो इन चीजों पे हमको एक डिटेल्ड ऑल्टरनेटिव चाहिए। ये नहीं कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगा, इक्वल ट्रीट करने वही जो आपने बात कही कि डिटेल की और जरूरत है, तब समझ में आएगा कि दरअसल ये करेंगे कैसे। सलमान भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये डिकेड बर्बाद हो गया। उन्होंने दो एग्जांपल बार बार दोहराए और वो ये थे कि बिजली कहीं और कोयला कहीं, जहां बिजली का कारखाना लगे, जहां कोयला हो वहां क्यों ना लगे। इस प्रकार के फैसले गवर्नेंस की नासमझी को दिखाते हैं, कैजुअल अप्रोच को दिखाते हैं, जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है यूपीए सरकार के दौरान। कम से कम आप इतना तो मानेंगे कि जो फैसले आपकी सरकार ले सकती थी उसमें लेट हुई, गलत तरीके से लिए, जिसके कारण हमारा ग्रोथ रेट 4.8% पर है, मोदी जी की जुबानी। नहीं देखिए, ये तो एक साल की बात करेंगे या पूरी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखेंगे तो वो तो कोई भी कह सकता है कि भाई आपकी एक साल में ऐसी नहीं थी। फिर उनको कहना चाहिए भाई चार साल में तो 9% से ज्यादा थी। आजकल की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, इसको ये 4.8% तो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ये सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे G20 में, यानी जो ग्लोबल 20 जो ग्रुप ऑफ नेशंस है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। लेकिन देखिए, मैं दूसरे एक मुद्दा आपने उठाया था PMCM, मेरे ख्याल में मोदी साहब का ये है और जो बीजेपी में मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़ी 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 बातें करते हैं लेकिन जो ग्रास रूट्स की बात है उसको भूल जाते हैं। ये जमाना नहीं है PMCM का, ये जमाना है PMCM और सरपंच का। आप जैसे अलग साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे, ये कहें कि भाई हम हर किसी को इक्वल ट्रीट करेंगे, भाई कैसे कर सकते हैं आप, जब आपके 70% 75% तो आपका लो मिडिल इनकम से भी वो क्लास से भी नीचे है, आपको तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी है। आप हिंदुस्तान, आप खुद ही सोचिए, हिंदुस्तान
कैसे एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड मुल्क बन सकता है जब हमारे पीछे इतने लोग रह जाएंगे? हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं क्या? ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करना तो बहुत अच्छी बात है, ग्रोथ की बात करना बहुत अच्छी बात है, मजाक में कहना कि भाई आपने तो एक साल में 4.8% लाया, लेकिन ये ना पूरी बात तो बताना, वो तो मैं मानता हूं सियासत है, लेकिन मुझे लगता है जो मोदी साहब का विजन है ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है जो फेल हो चुका है। बिल्कुल, आपने ये बात जी इसका जिक्र आपने किया था कि ये ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है चलती नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे देखिए मोदी साहब को डिटेल तो मैं मानता हूं कि डिटेल हर स्पीच में नहीं दी जा सकती, लेकिन उनको देनी पड़ेगी। क्यों? बिल्कुल ठीक है, यही सवाल बिल्कुल आपने जो कहा कि डिटेल देनी पड़ेगी। देखिए जयंत सिन्हा साहब, आपसे सवाल यह है कि इस वक्त जो क्राइसिस है, चूंकि इनसे उम्मीदें ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोमिसेस और स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट का इंतजार लोगों को बड़ी बेचैनी से है। आप भी तमाम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता है, हमको यह अंदाज था कि आज दरअसल कोई एक औपचारिक डॉक्यूमेंट जैसी चीज रिलीज होगी। चलिए ये तो हम लोगों को गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि एक इंडिया फाउंडेशन का कार्यक्रम था जिसमें ये एक स्पीच देने के लिए आए और एक कम्युनिटी से उन्होंने बात की। हम ये उम्मीद कब करें कि मैनिफेस्टो में ही सारी बातें आएंगी, या उसके पहले मोदी जी के इकोनॉमिक एजेंडा के तौर पर कोई स्पेसिफिक बात आप लोग पहले सामने रखेंगे? नहीं, देखिए अभी विजन डॉक्यूमेंट आना है बीजेपी का, अभी मैनिफेस्टो आना है बीजेपी का, इसलिए आज वो डॉक्यूमेंट नहीं आ सकता था। वो तो मैनिफेस्टो जब आएगा तब फिर सब जो डिटेल आप लोग खोज रहे हैं उसमें काफी कुछ डिटेल जरूर होगा मुझे लगता है। पर मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर आप देखिए कि कोई जो देश के सबसे ऊंचे पद के लिए जो कैंपेनिंग कर रहा हो, चाहे आप अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट ओबामा को आप देख लीजिए या किसी को, वो ये उनकी जिम्मेवारी नहीं होती है कि अपने भाषण में आके आपको एकदम सब पॉलिसी डिटेल आपको दें, वो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। वो तो मैनिफेस्टो में आएगा या जो उनके मतलब प्रवक्ता हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करते हों या एग्रीकल्चर के साथ डील करते हों या सोशल पॉलिसी के साथ डील करते हों, वो आके डिटेल्स देंगे आपको। आज जो जरूरत थी और जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से किया कि आपका इकोनॉमिक विजन क्या है और आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप देखें कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज पे बहुत स्पष्ट बातें की, अपनी प्रायोरिटीज उन्होंने बड़ी मतलब स्पष्टता से उन्होंने बताया, अपनी प्राथमिकता फेडरलिज्म के बारे में बताया, ट्रस्टीशिप, हाँ आपकी प्राथमिकता क्या है और आपका नजरिया क्या है, उसका एक कंप्रिहेंसिव व्यू उन्होंने सामने रखा। ये बात तो वहां मौजूद लोगों ने भी कही जब हमने उनसे पूछा कि वो इस भाषण से आज कितने संतुष्ट थे, तो ज्यादातर लोग इस भाषण से काफी संतुष्ट नजर आए। जयंत जी, सभी मेहमानों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है वरना इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते। बहुत धन्यवाद।